हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस के ऊपर, ठीक है। ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल है, सो मे भी आप में से किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। सो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आपने अपने पार्टनर का नाम अफर्म करना है या अपने पार्टनर का ध्यान करना है या उनके बारे में सोचना है, मेडिटेट करना है थोड़ी सी देर, मतलब कुछ सेकंड, चाहे उससे पहले वीडियो को भी पॉज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कैंडल की फ्लेम को देखें और एनर्जीज को फील करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शंस ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, ओके। द हायरोफेंट आया है, जजमेंट आया है, किंग ऑफ वंड्स आया है, वाओ, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, सेवन ऑफ वंड्स। चलिए डियर यूनिवर्स प्लीज, ओके डियर यूनिवर्स, चलिए प्लीज मुझे गाइड करें। सबसे पहले द स्टार को क्लैरिफाई करें, ओके, द लवर्स, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें, डेविल, ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स को, टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो चलिए देखिए, जैसे कि एक सेकंड कैमरा को थोड़ा मैं सेट कर लूँ। देखिए सबसे पहले जो आपके पार्टनर हैं, जी तो चलते हैं। सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं, जो मुझे उनकी नेक्स्ट एक्शंस की जो एनर्जी दिख रही है वो मिक्स है, एफर्ट्स भी हैं उसमें, ठीक है, एक्शंस भी हैं उसमें और डीप डाउन लव भी है उसमें, ठीक है। सो चलिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं। दूसरा, 7-7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर का जो होरोस्कोप है वो इन नंबरों से शुरू होता है, ठीक है, या मून उनका इस साइन में है, 7 नंबर में है, 3 नंबर में है। देखो एयर के साइन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, 7 आया है, 3 आया है, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाय तो पक्का ही है आपके पार्टनर, ठीक है। और सबसे पहले जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे नेक्स्ट एक्शन में आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए मे बी आप में से जो ये गुड न्यूज़ है, ये 3 महीने में, 7 महीने में और 7 दिन में, 3 दिन में और 3 वीक्स और 7 वीक्स में आती हुई दिख रही है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, जिनके थोड़े कार्मिक थोड़ा इश्यूज मुझे दिख रहा है, उनको जो है 10 से 11 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले आया है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स को आपका क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट मीन्स मेहनत जारी है, मेहनत के साथ साथ एफर्ट्स किस तरीके के, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी टाइम, अपना एनर्जी और चेक भी कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, कि आपको भी उतना टाइम दिया जाए और अपने काम को भी उतना टाइम दिया जाए, ठीक है।
और दूसरा मुझे जो ये एक्शंस हैं वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि उन्हें रिस्क जैसा लग रहा है कि क्या इसके साथ लाइफ अच्छी निकल जाएगी। मतलब एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। शायद ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक दूसरे को डेट करते हुए, या एज फैक्टर भी मुझे दिख रहा है कि शायद आपकी एज हो रही है मैरिज की या आपके पार्टनर की, जिस वजह से भी उन्हें ये फील हो रहा है कि अब जो है टाइम बहुत कम है, अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि एक दूसरे को डेट करें, किसी और को डेट करें और टाइम दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो देखिए, दूसरी जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, फैमिली प्रेशर भी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली प्रेशर है, और किसी ना किसी के लिए मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल में सबकी मैरिजेस हो रही हैं, या आपके पड़ोस में किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, और उस वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा निजीनेस हो रही है, आपके पार्टनर को अनइजीनेस हो रही है, उन्हें भी फील हो रही हैं चीज़ें कि अगर हमारे बीच सब अच्छा होता तो आज हमारी भी ऐसे ही मैरिज के प्लान्स बन रहे होते। दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए, देखो वोंड्स की एनर्जी हमेशा हमें जुनून को, एक जज्बे को रिप्रेजेंट करता है, उत्साह है उस पर्सन का। तो जो पीछे कोल्ड सा बिहेवियर चल रहा था ना आप दोनों के बीच, वो अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और देखिए, जजमेंट एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी नाइट कह रही हूँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है। इट मीन्स आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने वेट करके देख लिया है, परमात्मा से, ईश्वर की हर एक फॉर्म से उन्होंने आपको मांग के देख लिया है। अभी भी उन्हें ऐसे लग रहा है, अब उन्हें ऐसे लगना शुरू हो गया है कि अब अगर हाथ पैर नहीं मारे तो कुछ भी नहीं होगा। कोई आपको थाली में परोस के अगर दे भी दे तो खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो इट्स काइंड ऑफ उनका बिहेवियर और माइंड सेटअप जो है वो हो चुका है, और अब वो मुझे आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे किसी किसी के लिए ऐसे भी लग रहा है कि वो ना आपका सेक्सुअल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ। ये भी हो सकता है कि वो बता रहे हों किसी को कि इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। शायद उन्होंने आपके साथ कंप्लीट फील किया है शायद। और किसी किसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो देखिए डिस्कशन में भी द डेविल आया है, इट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो या किसी तीसरे बंदे से आपके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो थर्ड पार्टी उनको जो है वो प्रॉपर गाइड कर रही है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन दिखा रही है कि ऐसे थोड़ी ना लाइफ के डिसीजंस लिए जाएंगे। तो आपके पार्टनर जो हैं वो तैयार खड़े हैं, पर कहीं ना कहीं मनी को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि पैसे वाइज भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और दूसरा काम वाइज भी कि घर के भी आप सब में तालमेल बिठाने वाले हो या नहीं। मतलब आपका जो है पूरा एक तरह से आपकी स्कैनिंग चल रही है कि ये परफेक्ट है क्या, ये चीज़ों में ठीक है, ऐसे होगी या ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ सारी लाइफ बिताने का मन बना चुके हैं। अब उनको बस हल्का सा कहीं से ग्रीन सिग्नल चाहिए कि आप भी उनके साथ मैरिज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो कोई स्टैंपिंग चाहते हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मे बी अगर वो बात करें और बात ना बने तो बेइज्जती हो जाएगी, नेम फेम पे बात चली जाएगी, क्योंकि किंग की एनर्जी भी और हायरोफेंट की एनर्जी भी दोनों चीज़ों में ईगो रिप्रेजेंट हो रही है कि वो भी नेम फेम वाली पर्सनैलिटी है, एवं थोड़ी ना है। तो इस तरीके की उनके विचार हैं कि अगर मुझे रिजेक्शन मिल गया, अगर मुझे मनाही मिल गई, फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। सो जो दूसरा है वो मुझे ऐसे भी लग रहा है किसी गुड न्यूज़ के साथ, करियर वाइज और बहुत ज़्यादा इंटेंस डीप लव वाइज आपको कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। सो देखिए, यही थे जो एक्शंस अगर मैं देख पाऊँ तो लस्ट वाली एनर्जी भी पूरी है, प्यार वाली एनर्जी भी पूरी है, वर्क वाली एनर्जी भी पूरी है, और एफर्ट्स वाली एनर्जी तो है ही है कि एफर्ट्स कर करके वो इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि वो अब एक किनारे पे लगना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बहुत हो गया, ये जो बीच में तैरने वाला काम है मैं थक चुका हूँ, दो नाव की सवारी करते हुए भी मैं थक चुका हूँ, अब मैं कहीं किनारे पे लगना चाहता हूँ, कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है मैं जाना चाहता हूँ। तो वो ये सारी बातें आपसे कहना चाह रहे हैं और अपने एफर्ट्स में भी आपको इंक्लूड कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि
कुछ बीमारी, एकदम सडन बीमारी हो सकती है जो आपके पार्टनर को, मे बी वो एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, या मे बी उनका कुछ सर्जरी का मुझे दिख रहा है छोटा मोटा कट लगा हो जिसमें, तो इस वजह से भी वो अब वरीड हो रहे हैं कि काश अगर अभी आप उनके पास होते तो सारी चीज़ें कितनी अच्छी होती। और वो पिछले 7 महीने, 10 महीने और 3 महीने से किसी किसी के लिए वो देख रहे हैं कि इतना टाइम हमने एमए वेस्ट कर दिया। ठीक है, सो एक्शन लेते हुए वो मुझे पूरा दिख रहे हैं, आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं, और आपके साथ जो है वो एक कंप्लीशन फील करते हैं, ट्रांसपेरेंसी फील करते हैं। उनको ये पता है कि आपके जैसा लड़का या लड़की उनकी लाइफ में नहीं आ सकता है। ठीक है, सो डियर यूनिवर्स, प्लीज़ द डेविल को क्लैरिफाई करें डीप डाउन कि उनके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शंस लेने वाले हैं। ओके, थ्री ऑफ कप पेंटिकल आया है, इसको मैं सीधा करके ही रीड करूंगी। अगेन देखो, तीन जगह देखो, इसमें भी डिस्कशन, इसमें भी डिस्कशन अबाउट आपकी सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी के ऊपर हो सकता है, या मे बी कोई थर्ड पार्टी है किसी किसी के लिए, उस बीच में भी आपको चूज किया जाए, उनको चूज किया जाए। एक्शंस, यू नो, फाइनल एक्शंस हैं वो, ऐसे एक्शंस नहीं है कि चेंज हो जाएंगे या वापिस मुड़ा जाएगा। तो ये है कि हमेशा के लिए जब हम आगे चलते हैं ना, तो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, यू नो, कि हमेशा धीरे धीरे कदम रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो लंबा चलेंगे, इस तरीके की एनर्जी में वो हैं अभी। ठीक है, सो एक बार एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस में क्या इंक्लूड होने वाला है, किस तरीके से वो नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। किसी किसी के लिए देखिए, फोन कॉल का भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग मुझे दिख रहा है फोन कॉल, या आपको कहीं पिक एंड ड्रॉप वाले एरिया में वो आपसे बात करना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो डियर एंजल्स, जो मेरे व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सो मे बी आप ना अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो, सो आपके लिए यही गाइडेंस आई है। और नेक्स्ट एक्शंस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मेडिटेट में इम्पल्स आने वाली है, अपने पार्टनर के ख्याल आने वाले हैं, या किसी के को ना ड्रीम भी आने वाला है। तो जो भी ड्रीम आपको आए उस पर काम करना, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेज है। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो और इन्फॉर्मेशन लें, मे बी आपको आधी ही अधूरी यू नो नॉलेज है इनके बारे में, या कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। सो हाफ नॉलेज इज ऑल्सो कहते हैं कि इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, डेंजरस होती है। सो फुल नॉलेज लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने क्या सिचुएशन है। लुक फॉर अ साइन, अगेन मैं कह रही हूँ आपको कुछ साइन यूनिवर्स देने वाले हैं, उन साइंस पे रहें और उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। ठीक है, सो यही थी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई लव यू ऑल, टेक केयर।